अभी आ रहा हूँ ना, अभी आ रहा हूँ। अब तो दो बार आएगा तू। अपने बड़े बूढ़े ना एक बात बोलते हैं, खास तौर से देखो हमारे लोकल में हमारे बुजुर्ग ऐसे कभी कभी बात करते हैं कि यार कोई अच्छा कर रहा होता है ना, उसके पीछे चार लोग लग जाते हैं, या तो चमचागिरी करने के लिए, या फिर उसकी कमियां निकालने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ बोलने के लिए उसके लिए, मतलब जैसे तैसे करके उसको रोस्ट करना है कैसे ना कैसे। लेकिन जब कोई अच्छा नहीं कर रहा होता, बस न्यूट्रल चल रहा है, या फिर कोई ख़राब काम कर रहा है, या फिर कोई ऐसे ही है फालतू आदमी, उसके बारे में ना तो कोई कुछ बोलता है, हाँ बस निकलते बैठते राम राम श्याम श्याम, उसके अलावा कोई मतलब ना भाई, कोई मतलब ना। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है भाई अपनी न्यू पल्सर NS 400 के ऊपर। मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट देखी है, बहुत सारी रील देखी है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। खैर ये वीडियो मैंने बनाने को सेंस है नहीं मेरा, और ना ही मुझे बनानी चाहिए थी, बट मुझे लगा कि यार एक वीडियो तो थोड़ा ऐसा बनाऊँ जिसके बारे में एक रियलिटी, या फिर इस बाइक की जो पर्सनैलिटी है, या फिर जहाँ पर ये एक होता है ना कि स्टैंड करती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करी जाए, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाए, इस बाइक के बारे में थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें आपको बताई जाए। इस वीडियो में बात करते हैं कि इस बाइक में ऐसा आपको क्या खास मिल जाता है कि कुछ लोग इस चीज़ से थोड़ा एक होता है ना कि चिढ़ने वाला, अगर आप, मैं डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता आपको, बट थोड़ा सा इनडायरेक्टली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक गलत हाइप क्रिएट कर रखी है, एक गलत मीम्स बाइक के चल रहे हैं जो मैंने देखे थे, तो उनका रिप्लाई जस्ट मुझे करना है कि बाइक के साथ बाइक के बारे में बताते हुए करना है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ें नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीरजन, पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। इस तरह के कंटेंट मैंने कभी बनाए दिए, पहली बार बना रहा हूँ, पहली बार किसी चीज़ का रिप्लाई कर रहा हूँ, तो माफ़ करना अगर कुछ गलती हो जाए या फिर कुछ मैं गलत बोल जाऊँ तो, बट मैं कोशिश करूँगा मैं डायरेक्ट कुछ ना बोलूँ, इनडायरेक्टली जिसको समझना है वो समझ जाएगा। तो सबसे पहले ना बाइक की लुक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला है कि हाँ भाई एक्सपेक्टेशंस तो बहुत तगड़ी थी, पता नहीं क्या क्या थी, और निकाल ये दिया। तो उसके बाद थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, कैमरा इधर लेके आ। देखो वैसे लुक्स और डिजाइन ना एक सब्जेक्टिव मैटर है, क्या पता किसको कैसा डिजाइन पसंद आ जाए, सबको एक ही डिजाइन पसंद आने लग गया तो एक ही तरह की बाइक बिकने लग जाएगी, अलग अलग बाइक क्यों बिकेगी भाई। मार्केट के अंदर 100 डिजाइन की बाइक है, तो लोगों की चॉइस कितनी डिफरेंट है, आप वहीं से आइडिया लगा लो कि हर कैटेगरी की बाइक सेल होती है, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन लोगों की जो पसंद है जो चॉइस है बहुत ही अलग अलग है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो चाहे नॉर्मल किसी भी चीज़ को लेकर हो, टेस्ट को लेकर हो, खाने को लेकर हो, हर टेस्ट में बहुत ज़्यादा, हर चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो डिज़ाइन और लुक्स के ऊपर इस तरह की कमेंट करना, इस तरह की बातें करना एक बेकार बात लगती है मुझे। देखो पर्सनली अगर आप रियल लाइफ में बाइक को देखोगे ना तो आपको कहीं से ऐसा फील नहीं आएगा कि यार यहाँ से बाइक के अंदर ये कमियाँ, छोटी मोटी चीज़ें आप हर बाइकों में निकाल दोगे, आप नहीं तो कोई और नहीं तो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल ही देता है। बट अगर आप प्राइस देखते हो 185,000 रुपये, तो उस प्राइस पॉइंट के ऊपर भाई क्या ही मतलब क्या ऐसा क्या कमी लग रही है आपको बाइक के अंदर, हर एक चीज़ तो बहुत ही बेटर तरीके से फिनिश है, थोड़ा पास लाके दिखा भाई, चाहे ये डिज़ाइन क्यों ना हो, चाहे रियर डिज़ाइन क्यों ना हो, चाहे फ्रंट डिज़ाइन क्यों ना हो, बहुत ही एग्रेसिव लगता है यार। लोग मॉडिफाई करवाते हैं इस तरह के डिज़ाइन, कंपनी ने खुद दिया है भाई, खतरनाक लुक दे रही है यार। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, खैर लुक्स के बारे में आपको बताया, एक सब्जेक्टिव मैटर है, बट दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा नहीं, सेकंड टाइम पर जो ट्रोल हो रही है, फिर जो मीम बन रहा है जिसके ऊपर कि भाई डोमिनार का इंजन लगा दिया, डोमिनार की फ्रेम लगा दी, NS का टैंक लगा दिया, बन गए NS 400, और आगे NS 400 ले लो, NS 400, मतलब उसको मजाक में ले रखा है। डोमिनार का जो इंजन है कितना बढ़िया इंजन है, 400 cc की कैटेगरी में आप जाते हो, 400 cc की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कौन सी बाइक ऐसी जो इस इंजन, मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा सेल जो करने वाली बाइक है ना वो इसी इंजन के साथ है, चाहे वो ड्यूक 390 क्यों ना हो पुरानी वाली, या फिर डोमिनारी क्यों ना हो। अभी हस्कवर्ना की आई, खैर उसमें 399 cc हो गया, ड्यूक में भी 399 cc हो गया, मतलब 400 cc पूरा हो गया उसके, मतलब 400 cc आती है पूरी तरह से। बट मैं पर्सनली बताऊँ ना तो मुझे ये मच्छर कहाँ से आ रहे हैं, बट मैं पर्सनली बताऊँ ना तो मुझे पुरानी वाली ड्यूक 390 का इंजन ज़्यादा बेटर लगता है नई वाले के कंपेरिजन में, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी रिफाइनमेंट थोड़ी बेटर लगती है, थोड़ी स्मूथ भी लगती है, वाइब्रेशन कम लगती है, बट नई वाली ड्यूक 390 में थोड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा है और इतना रिफाइन वाला, मतलब रिफाइनमेंट इतना अच्छा फील नहीं आता है, मतलब पता नहीं क्यों, बट मुझे लगा तो मैंने आपको बताई, मेरी चॉइस थी जब मैंने बाइक को चलाया तो जो मुझे फील हुआ मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो पर्सनली 400 cc में सबसे फेवरेट इंजन रहा है वो, चाहे ड्यूक 390 के अंदर हो, चाहे डोमिनार के अंदर हो, चाहे अब इस बाइक के अंदर आ गया हो, सबसे फेवरेट इंजन रहा है 400 cc में। और अगर इस बाइक के अंदर वही सेम इंजन आ गया तो उससे दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया बात है ये। अगर नया इंजन बाइक को दिया जाता हो सकता है लंबे टाइम पर वो कैसा रहे कैसा ना रहे, बट ये विश्वास वाली चीज़ है भाई, कितने सालों से विश्वास बना हुआ है इस इंजन के ऊपर, वो कंटिन्यू रहेगा आपका इस बाइक के साथ भी, तो बहुत बढ़िया बात है। और पावर फिगर देखोगे तो भाई 185,000 में क्या ही पावर फिगर मिल रही है, आप ये देख रहे हो कि डोमिनार का इंजन चिपका दिया भाई,
मैं तो चाह रहा हूँ कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, चिपका दिया। 185,000 में आपको वो चीज़ें देखने मिल जाती है। 40 horsepower है, 35 Nm टॉर्क है। फ्रेम की बात करी जाए तो फ्रेम डोमिनार वाला है भाई। आप डोमिनार जो चलाते हैं उनसे पूछ कर देखना कितनी स्टेबल रहती है बाइक, फ्रेम कितना अच्छा है उस बाइक का, कितना अच्छा फ्रेम उस बाइक का जो कि इस बाइक को दिया गया है। क्या कमी है भाई, अगर मान के चलो 5-6 आदमी है, उनके अंदर किसी इंसान के अंदर कोई अच्छे गुण है, किसी इंसान कोई अच्छे गुण है, उन सबके अच्छे अच्छे गुण उठाकर और एक आदमी में घुस दिया जाए तो क्या अच्छी चीज़ें नहीं निकल के आएंगी? या कुछ ऐसा ही किया है यार। टैंक जो डिजाइन है, सीट जो है वो NS200, NS160 उनके समान आपको लगता है, तो भाई देखो कंपनी को एक NS सीरीज की लिगेसी भी रखनी है। ऐसा भी रखना है कि हाँ NS ही लगे देखने में, ऐसा ना लगे कुछ और ही बना दिया हमने। तो चीजें समान भी रखनी पड़ती है, चाहे टैंक का डिजाइन हो, चाहे सीट हो, टेल टीडी हो, ऐसे 3-4 चीजें NS सीरीज से ली गई है। मेरे हिसाब से NS वाली जो चीजें ली है बहुत ही बढ़िया बात है, डोमिनार वाला इंजन फ्रेम लिया है बहुत ही बढ़िया बात है। अब थर्ड पॉइंट आता है, 2 पॉइंट अपने हो गए भाई, डोमिनार का इंजन फ्रेम क्यों लिया, डिजाइन ऐसा क्यों है। हाँ 3 पॉइंट अपन ने कवर कर लिए। एक वो था कि एक्सपेक्टेशंस बहुत तगड़ी थी, पता नहीं क्या क्या मीम चल रहे थे। तो देखो एक चीज बताता हूँ आपको उसके बारे में, एक मेरे को बात याद आई। तो देखो कुछ कॉन्सेप्ट टाइप की बाइक्स होती है, कॉन्सेप्ट टाइप की बाइक्स, कार, सब कुछ होता है, कुछ ऐसे ग्राफिक्स के थ्रू भी बना दिया जाता है, ऐसे कंप्यूटर के ऊपर कोई फोटोशॉप से, कोई मतलब किसी भी तरह से वो बना के सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, बोल दिया जाता है ये चीज़ें आने वाली है और लोग उसको विश्वास करके बैठ जाते हैं। अरे भाई ब्रांड कभी सोचा ही नहीं उस चीज़ के बारे में। और मान के चलो एक फोटो चल रही थी, वो फोटो मैं आपको दिखा दूँ, वो वायरल चल रही थी कि भाई NS400 ऐसी आने वाली है। भाई मैं कंफर्म था कि ये कहीं से NS400 नहीं है भाई, कहाँ से लग रही है वो यार, गारंटी ले सकता हूँ कहीं ना कहीं किसी बंदे ने कंप्यूटर बैठ के फोटो बनाई होगी। करने को कंपनी वैसी बना सकती है बट वो लंबे टाइम तक इतनी ड्यूरेबल नहीं रहेगी और इतने कम प्राइस पॉइंट पर भी नहीं ला पाएगी उसको। अगर ब्रांड चाहती क्या नहीं कर सकती भाई, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उनके पास, चाहती तो TFT मीटर दे देती, हर एक चीज़ बहुत ही प्रीमियम दे देती, बट क्या इसका प्राइस 1,85,000 हो पाता भाई? नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। अभी 1,85,000 में जितना कुछ दे दिया है ना, उतना भी उम्मीद नहीं थी, उतनी भी एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं थी कि भाई 1,85,000 में इतनी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी, चाहे वो राइड बाय वायर क्यों ना हो, चाहे वो ड्यूअल चैनल ABS हो, अच्छे वाइड टायर्स है, डोमिनार का इंजन है, डोमिनार का फ्रेम है, पैरामीटर फ्रेम आपको मिल जाता है, NS का फ्यूल टैंक है और नए डिज़ाइन के ये मीटर कंसोल स्विचेस वगैरह ये सब कुछ हैं। यहाँ पर टॉप टर्न बाय टर्न आपको नेविगेशन देखने को मिल जाता है, सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, USB चार्जर आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या नहीं है बाइक के अंदर, 1,85,000 में क्या नहीं मिल रहा है, मैं ये पूछता हूँ आपसे क्या नहीं मिल रहा है, तो वो तो बताओ अगर आप कमेंट करके। अरे कोई नहीं यार, थोड़ा इनको ही परेशान कर लेने दे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर जो कि शायद थोड़ा सीरियस लिया जा सकता है। उससे पहले वाले जितने भी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मीम बन रहे हैं भाई, बिल्कुल ध्यान मत दो आप उनके ऊपर, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ बिल्कुल भी ध्यान मत दो। आप खुद जाना शोरूम, बाइक को चलाकर देखना, उसके बाद आप खुद मेरी वीडियो पे आके कमेंट करोगे कि हाँ भाई आपने बिल्कुल सही बातें बताई थी हमें। तो ऐसे किसी की बातों को लेकर या फिर किसी की मीम्स पोस्ट वगैरह देखकर जज मत किया करो बाइक को। अब थोड़ा सीरियसली लेते हैं। हाँ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 400cc में ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि D390 में क्या कुछ मिल रहा है, RTR 310 में क्या कुछ मिल रहा है, उसमें तो दुनिया भर के फीचर है। और RTR 310 मैंने खुद भी यूज़ की हुई है, मेरे पास भी है, D390 मैंने काफ़ी यूज़ की हुई है, हस्कॉर्न आपको मिल जाती है 401, CB 300 मिल जाती है 300cc में। तो ये जितनी बाइकें हैं ना, अगर डोमिनार 400 को आप देखते हो ना, डोमिनार 400 के अलावा बाकी सारी बाइकें थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है उसके सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत प्रीमियम हो जाते हैं। बट यहाँ पर लोगों को ये दिक्कत हो रही है इस बाइक के से कि कंपोनेंट्स थोड़े प्रीमियम इतने नहीं, जैसे कि रेडियल कैलिपर ब्रेक्स आपको नहीं मिलते हैं और कुछ 2-4 चीज़ें जो थोड़ा बजट फ्रेंडली रखी गई है बाइक के अंदर, तो उनसे क्या दिक्कत है भाई। जो लोग 400cc के लिए 4 लाख नहीं दे सकते, 3 लाख, 3.5 लाख नहीं दे सकते, उनके लिए इससे अच्छा क्या ही होगा भाई। मान के चलो आपका बजट है 4 लाख, आप मीम बना रहे भाई D390 में तो ये कुछ मिल जा रहा है, इसमें ये कुछ नहीं है, तो भाई गलत है ना यार। आप उसके लिए कितना पे कर रहे हो, इसके लिए कितना सा पे कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको वही 400cc वाला फील दे देती है भाई, इससे बड़ी क्या बात लोगे भाई। 1,85,000 अगर आप प्राइस देखते हो ना भाई, और आप शोरूम पर जाकर देखोगे, चलाओगे, आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी सेगमेंट वाइज से। मैं बोल रहा हूँ खतरनाक काम किया है बजाज ने। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको साथ साथ में कि इतने प्राइस टैग में ना आपको नॉर्मली जितनी बाइकें मिलती है ना, सारी 150 से लेके 200 या 250cc भी शायद नहीं होगी कोई, गिक्सर 250 है शायद ना एक, बाकी उसके अलावा भी गिक्सर 250 को अगर आप हटा देते हो तो उसके अलावा कोई ऐसी बाइक नहीं है जो आपको 200 से ऊपर मिल जाए इतने बजट में। आप मान के चलो गिक्सर भी 250 कहाँ तक आपको चीज़ें देखने को मिल जा रही है, मतलब आपको 2 लाख के आसपास में ओनली 15-16 BHP से लेकर और 25-26 BHP तक की बाइकें मिल जाती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता आपको। लेकिन अब आपके पास एक बहुत खतरनाक ऑप्शन आ गया, 2 लाख में आपको 40 BHP वाली पावर मिल जाती है, Duke 390 वाली पावर मिल रही है आपको,
सोच के देखो, डोमिनार वाली पावर मिल रही है आपको। मैं मीम देखता हूँ ना सोशल मीडिया पे, बहुत परेशान हो जाता है मेरा दिमाग, क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में, क्या चल रहा है, मतलब कोई चीज आई है इतनी बढ़िया तरीके से इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, फालतू में मीम वगैरह बना रहे हैं। मेरे मन में बस इतना सा था कि मैं एक वीडियो बनाकर आपसे शेयर करूँ जो मेरे मन में है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी हो, मैंने जो बोला वो अच्छा नहीं लगा हो, तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, माफ़ कर देना अपने भाई को, सॉरी आप सभी को। बाकी कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना क्या बातें सही लगी है, नहीं लगी है, जो भी जैसा भी है। और लास्ट में आपको दोबारा से ये बात बोल दूँ कि भाई 1,85,000 एक्सोन प्राइस के ऊपर बाइक को एक बार ध्यान से, दिल से सोच कर देखना, मन से सोच कर देखना। ड्यूक 390 वाला इंजन, डोमिनार वाला इंजन आप कैसे मान के चल सकते हो, क्योंकि ड्यूक 390 में पहले ये इंजन था। उसके अलावा पैरामीटर फ्रेम डोमिनार वाला, आपको सारी चीज़ें प्रीमियम सी साइड थोड़ी देखने मिल जाती, चाहे वो डोमिनार वाले मिरर ही क्यों ना हो। मीटर में सारे फीचर्स आपको देखने मिल रहे हैं, डिजाइन बहुत अच्छा है, LED लाइट्स है सारी, 110mm का फ्रंट में टायर है, 140mm का रियर में टायर, 12 चैनल ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, क्या ही तो नहीं मिल रहा बाइक के अंदर। क्या वर्थ इट नहीं है 1,85,000 में? मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बाइक 2,00,000 एक्स शोरूम पर भी आती ना तो भी वर्थ इट थी यार ये। बाकी आप खुद समझदार हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो दोबारा से सॉरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ध्यान को अपना, मस्त रहो और खुश रहो भाई।